बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइटोप्लाज्म। साइटो का वर्ड जब कभी आता है वी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेल, और प्लाज्म का वर्ड जब कभी आता है इट्स मीन सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड और वी कैन से फ्लूइड नेचर। ठीक है, तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लूइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर लाए करने वाला वो सारा का सारा कंटेंट जो कि फ्लूइड पे मुश्तमिल कर रहा है या लिक्विड टाइप का है, लिक्विड नेचर का है, दैट इज़ व्हाट साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जितने भी यूकेरियाटिक सेल्स के अंदर लिविंग कंटेंट्स पाया जाता है वो सारा का सारा डिवाइड होता है दो किस्म के पोर्शंस में। एक आ जाता है हमारे पास व्हाट साइटोप्लाज्म और दूसरा आ जाता है न्यूक्लियस, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब दोनों एक जगह पे कंबाइन होते हैं तब एज अ होल इनको एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ व्हाट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म की अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें या डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्वेशियस सब्सटेंस। मींस एक्वेशियस का वर्ड कभी जब कभी आता है इट्स मीन कि वी आर टॉकिंग दैट देयर इज सम थिंग विच इज़ जस्ट लाइक दैट टू दैट ऑफ वाटर, कि मतलब हम किसी वाटर कॉन्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाटरी सा कोई सब्सटेंस होता है, वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इनसॉल्युबल वेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन में आगे हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे, लेकिन इसकी कंपोजिशन में तकरीबन हर चीज़ आ जाती है। साइटोप्लाज्मिक इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, पिगमेंट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस बना रही होती हैं। ठीक है, ये वाला सब्सटेंस जो है, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ आइंस, कुछ केमिकल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ रही होती हैं। और सिंपल साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है और सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की बाउंड्री है, इसके दरमियान का जो फ्लूइड पोर्शन है दैट इज़ सिंपली सेड टू बी साइटोप्लाज्म। इस तरह हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द फ्लूइड पोर्शन, इट इज़ द लिक्विड पोर्शन विच इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड विच इज़ एंडिंग टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इज सिंपल द स्पेस द फ्लूइड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब अगर हम फर्दर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म का वो वाला पार्ट जो कि सॉल्युबल पार्ट होता है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं, सॉल्यूशन बना रही होती हैं, उस पोर्शन को बोला जाता है व्हाट साइटोसोल। तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज़ नोन एज साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेल्स के दरमियान का जो पोर्शन है, ठीक है, और जो कि सॉल्युबल पार्ट है वो साइटोप्लाज्म का कौन सा हिस्सा कहलाता है, साइटोसोल। और ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का 90% का हिस्सा साइटोसोल बना रहा है और वाटर पे कंजेस्ट करता है, और इसके अंदर बहुत सारे लाइफ के इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा देयर आर टू सॉल्यूशंस, दो किस्म के सॉल्यूशंस इसमें बन रहे होते हैं। एक सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन कौन बना रहा होता है, इस साइटोसोल के अंदर लाई करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या आइंस वगैरह जब आपस में मिलते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं दे विल फॉर्म व्हाट कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है। एक तो मोस्टली ये नॉन विस्कस भी हो सकता है, नॉन स्टिकी भी हो सकता है, नॉन जेली भी हो सकता है, मींस जिसको बोला जाता है व्हाट सोल, SOL सोल, नॉन विस्कस, और इसको जेल भी बोला जाता है, या ये एक और सॉल्यूशन जो है इसकी एक और कैटेगरी भी बन रही होती है, दैट इज़ व्हाट जेल लाइक भी होता है या सिंपल जेली लाइक होता है, स्टिकी होता है, या हम कह सकते हैं विस्कस होता है। और बेटा अगर हम साइटोप्लाज्म की आउटर रीजन की बात करें तो मोस्टली वो हमें जेल लाइक ही नज़र आ रहा होता है, तो इट्स मीन वो ज़्यादा कंजिस्ट करता है कोलाइडल सॉल्यूशन पे, और अंदर वाला जो इनर पोर्शन है दैट इज़ कंजिस्टिंग ऑफ अवर सोल या नॉन विस्कस पोर्शन। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है साइटोस्केलेटन। अब सर बेटा हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, ठीक है, और वो एक पूरा फ्रेमवर्क बना रहा है, हमें एक स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या हमें हम कह सकते हैं ना इरेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह सेल के अंदर सेल की शेप की मेंटेनेंस के लिए,
सेल की प्रोडक्शन के लिए, सेल के बाकी कुछ इस तरह मैट्रिक्स वगैरह या सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले फंक्शंस के लिए, सेल के अंदर भी अप्लाई करने वाला कुछ खास किस्म का फ्रेमवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है डिफरेंट फाइबर्स का, ठीक है। तो वो भी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा होता है, इसलिए हम उसकी कंपोजिशन में ले रही होती है, विच इंक्लूड्स, आगे हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोटिब्यूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक इन्क्लियंस। साइटोप्लाज्मिक इन्क्लियंस का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर लाइक करने वाले कुछ छोटे 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 ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कुछ हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होते हैं, अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड हो रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर से, फ्लोट कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी लाइक करने वाली ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, और कल जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की क्या थी कंपोजिशन, लिपिड बाय लेयर, तो लिपिड्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पिगमेंट में आ जाता है मेलानिन, जिस तरह हम कह सकते हैं ना हमारी स्किन की पिगमेंटेशन के लिए, या हमारी स्किन के कलर है या डार्क है लाइट है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हमारे अंदर एक लाइक करने वाला मेलानिन एक पिगमेंट है, पिगमेंट मींस फॉर कलर, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें सारी की सारी जो है इनकी लोकेशन है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और लास्ट जो कंपोजिशन में आ जाती है वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जो कि अभी हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑब्वियसली कौन कौन सी, जिस तरह हम कह सकते हैं ना बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब किडनीज हैं तो फिल्ट्रेशन के लिए, स्टमक है तो डाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं हार्ट है तो फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड, हमें ब्लड, हमें न्यूट्रिएंट्स, हमें खुराक सप्लाई करने के लिए, ब्रेन है तो थिंकिंग कॉग्निशन कैपेबिलिटी के लिए। इसी तरह साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन या स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह की ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है। इसको बेटा आप प्रोनाउंस कर सकते हैं ऑर्गेनेल्स भी, ऑर्गेनेल्स भी, इसलिए मैं दोनों को मोस्ट यूज़ कर रही होती हूँ, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं इसी तरह गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, गोल्जी बॉडीज जो कि स्टोरेज के तौर पर एक्ट करती है, सिक्रीशंस वगैरह कर रही होती है, ठीक है, डिफरेंट वेजिकल्स की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा हम कह सकते हैं और ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन तैयार कर रही है, लिपिड की सिंथेसिस कर रही है, राइबोसोम्स है, प्रोटीन्स बना रही है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन की तरह सेल के अंदर लाइक करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का भी अपना अपना फंक्शन है, विच वी विल हैव टू डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल इन दिस चैप्टर। अब बेटा हमारे पास हम कहते हैं साइटोप्लाज्म की डायग्राम आप देख लें, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम कह सकते हैं जो फ्लूइड पोर्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, दैट इज साइटोप्लाज्म। आप इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं, छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में राइबोसोम्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान लाइक करने वाले कुछ चैनल्स हैं स्पेसिफिक, दैट आर ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स के आगे हम फर्दर भी बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह कुछ हमारे पास स्टेक्स की फॉर्म में गोल्जी बॉडीज हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब की जो है वो कंसिस्टेंसी आ जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये आप स्ट्रक्चर अपने पास नोट कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स के हवाले से भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल आप देखें कि हमारे पास स्फेरिकल होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्लांट सेल हमारे पास जो है ना वो एलोंगेटेड या हम कह सकते हैं ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। स्ट्रक्चर में पहला डिफरेंस आ जाता है, फिर एनिमल सेल में आपको उसी तरह ऑर्गेनेल्स नज़र आएंगी, न्यूक्लियस नज़र आएगा, न्यूक्लियोलस, इसी तरह प्लांट सेल के अंदर भी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे हैं और ज़्यादा है अमाउंट में, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल है, आप देख सकते हैं एक वन है, ओनली सिंगल वन, और है किस तरह का लार्ज है बजाय छोटे छोटे होने के, ठीक है। अब वेक्यूल की इनलार्जमेंट की वजह से आप देख सकते हैं कि इसने पुशअप किया हुआ है न्यूक्लियस को थोड़ा साइड पे, ये सेकंड डिफरेंस है एनिमल सेल के अंदर। दरमियान में अगर न्यूक्लियस लाई कर रहा है तो प्लांट सेल में वेक्यूल की इनलार्जमेंट की वजह से, लार्ज साइज होने की वजह से इसने न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड पे पुशअप किया है। बाकी तकरीबन वही चीज़ें हैं, वही ऑर्गेनल्स हैं और उसी किस्म की कंपोजिशन है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। लेकिन फिर भी आप इन डायग्राम्स को देख के इनको आपस में से ईजिली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है बेटा फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है कि हम कहते हैं कि मोस्टली एक स्टोरेज साइट के तौर पे एक्ट करता है बहुत सारे केमिकल्स के लिए, और इसके अलावा जो साइटोसोल है वो मोस्टली बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, कम्बिनेशन होती हैं दोनों एक्टिविटीज़ की, वहाँ साइट भी प्रोवाइड कर रहा होता है इन बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है बेटा? सिंपली इसमें हम कहते हैं ग्लूकोज का टूट जाना पायरोविक एसिड के अंदर, ठीक है, जो कि मोस्टली रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो इस किस्म की एक्टिविटी को भी साइटोसोल ही साइट प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका आ जाता है कि इट इज़ एक्टिंग जस्ट लाइक अ स्टोर हाउस फॉर ऑल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। जितने भी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स हैं, मींस अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा शुगर हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन सब के लिए एक स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या सिंपल साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से सेल जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की शेप की मेंटेनेंस में, सेल की शेपिंग में हेल्प आउट करता है, सेल की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या सिंपल हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो सेल का साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है इसका जो बाकी फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे ये एक साइट प्रोवाइड करता है कि बहुत सारी प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड हो रही होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम कह सकते हैं बहुत सारे बायो केमिकल्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि स्टोर हाउस हैं या हम कह सकते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के। अब लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है बेटा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हमारे पास क्या है कि जब कभी हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर लाइक करने वाला साइटोसोल, देखिए बेटा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ्लूइड नेचर होता है, लिक्विड इन नेचर होता है, तो फ्लूइड नेचर होने की वजह से साइटोप्लाज्म एक खास किस्म की आगे को अप एंड डाउन या अपस्ट्रीम सी एक मूवमेंट शो करता है। इस तरह लग रहा होता है जैसे साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लोट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इस तरह हम कह सकते हैं बह रहा होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जैसे जैसे इस तरह मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर लाए करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनल्स तकरीबन या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी साथ साथ मूव कर रहा होता है। इस किस्म की साइटोप्लाज्म मिक मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोला जाता है, या मोस्टली साइटोप्लाज्म जब मूव कर रहा होता है, ठीक है, इतने ज़्यादा मास को अपने अंदर ऑक्यूपाई करके जब एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर रहा होता है, स्ट्रीमिंग शो कर रहा होता है, इस किस्म के मूवमेंट के लिए या एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज बट साइक्लोसिस। तो यहाँ पर एंड हो जाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। कि अब साइटोप्लाज्म के अंदर लाइक करने वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं। सबसे पहली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक स्पेसिफिक चैनल के लिए, नेटवर्क के लिए, और एंडो मीन्स इनसाइड और प्लाज्मिक ओवियसली हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पूरा एक, आगे आप इमेज में देखेंगे कि पूरा एक नेटवर्क सा, पूरे एक चैनल सा जो है वो स्प्रेड आउट हुआ होता है, एक्सटेंड हुआ होता है, जिसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स रनिंग थ्रू आउट साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ मोस्टली कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस बात का मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दरमियान का जो स्पेस है या जो हम कह सकते हैं ना पूरी एक जगह है, उस जगह को इस चैनल ने, इस नेटवर्क ने सराउंड किया होता है, एक्सटेंड किया होता है, स्प्रेड आउट हुआ होता है, और इस पूरे होल सिस्टम ऑफ चैनल इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा हर सेल के अंदर इसकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट नज़र आती है, ठीक है, सेल टू सेल इसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। और ये चैनल्स मोस्टली हम कह सकते हैं इनकी शेप अगर हम बात करें तो स्फेरिकल होती है, या ज़्यादातर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे अबव द वन एनदर जो है वो इस तरह एक्सटेंड हुए होते हैं या स्टैटर्ड हुए होते हैं, आपस में जो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं या स्फेरिकल फॉर्म में जो एंडोप्लाज्मिक की स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसका सिंगुलर जो है वो है सिस्टर्ना। क्या है? सिस्टर्ना। बेटा टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, इन स्ट्रक्चरल फॉर्म के हवाले से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं RER और SER। अब सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज द साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच वी कैन से राइबोसोम्स आर इन अटैच्ड फॉर्म। सिंपल वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सिस्टर्निंग के ऊपर हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे स्पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, होल्स नज़र आ रही होते हैं, छोटे छोटे दानेदार ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि राइबोसोम्स होते हैं इन एक्चुअल, उन्हें बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये स्मूथ नहीं होता, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर पे कुछ रफनेस सी हुई होती है, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। जबकि ऑन दी अदर साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच देयर आर नो राइबोसोम्स। कोई भी राइबोसोम्स उसकी स्ट्रक्चर पे सच मोजूद नहीं होते, ठीक है, और मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कह सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल हमें उसकी सरफेस जो है शिफाफ पेयर स्मूथ नज़र आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में क्लियरली डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SER है स्मूथ वाला, उसके ऊपर ऐसा कोई छोटे छोटे ड्रॉप्स नहीं है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो है वो रेड कलर के आपको राइबोसोम्स की ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, हम देखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें क्या होता है बेटा कि मोस्टली सबसे पहले हम कहते हैं कि राइबोसोम्स की मौजूदगी है, सो दैट्स वाई फर्स्ट फंक्शन क्या है कि दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो स्टार्ट होने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन है वो तकरीबन कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक। अब क्या है बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम बाकी फंक्शंस देखें तो यही है कि ये प्रोटीन्स को तैयार कर देता है, उसके बाद प्रोटीन्स को बेचता है साइटोप्लाज्म के अंदर ताकि वहाँ पे वो स्टोर हो जाए, या तो हम कह सकते हैं सेल से बाहर उन्हें एक्सपोर्ट कर देता है इन चैनल्स के थ्रू जहाँ पे उस राइबोसोम ने सॉरी उस प्रोटीन ने जाके अपना फंक्शन करना होता है। सिंपल हम कह सकते हैं पहले प्रोटीन को तैयार करता है फिर उसकी स्टोरिंग में हेल्प आउट करता है, या साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प आउट करता है, उसको सेल से बाहर इन चैनल्स के थ्रू एक्सपोर्ट करवाने में हेल्प आउट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस जो हैं वो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड की जो सिंथेसिस में हेल्प आउट करने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है स्मूथ, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा ये वो वाली ड्रग्स बॉडी के अंदर जो है वो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल निकोटीन वगैरह, ठीक है, या इसके अलावा जितनी भी डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स होती हैं या सॉरी हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है, उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है, कम करता है, बॉडी को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई इम्पल्स आ रही है, नर्व इम्पल्स है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स की तरफ से लेकर जाता है मैसेज को, नर्व सेल से वापस लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ इन चैनल्स के थ्रू भी जो है इम्पल्सिस की जो है वो ब्रेन की तरफ और दोबारा मसल्स की तरफ जो ट्रांसमिशन है वो हो रही होती है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। इसके साथ साथ बेटा हम कह सकते हैं कि एक सेल से जब कभी दूसरे सेल की तरफ किसी मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो सिंपल ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प आउट करता है, और इसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और लास्ट में क्या चीज़ है कि शेप भी सेल की मेंटेन रखता है। में आ जाते हैं फंक्शंस, इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एज अ होल क्या फंक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली माइंड में रख के कि हमने स्मूथ के कौन से पढ़े, रफ के कौन से पढ़े, इन दोनों को एज अ होल मिला के हम बोलेंगे कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस। अब किसकी सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन किसकी, हार्मफुल ड्रग्स की, सर्कुलेशन कैसे हम कह सकते हैं सिंपल ट्रांसपोर्ट करवाता है मटीरियल्स को एक सेल से दूसरे की तरफ, मैकेनिकल सपोर्ट, और लास्ट में है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि नर्व इम्पल्सिस को ब्रेन से मसल्स की तरफ लेकर आता है, मसल्स से लेकर जाता है मैसेज को ब्रेन की तरफ, ट्रांसमिशन में सिंपल इन चैनल्स के थ्रू हेल्प आउट कर रहा होता है मैसेजेस को लेकर जाने में, वापस पहुंचाने में, तो इस चीज़ को एक हम कह सकते हैं ना आपस में कम्युनिकेट करवा रहा होता है। सो दैट वॉज अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दैट्स एंड थैंक यू सो मच। टॉपिक है बेटा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को सबसे पहले 1955 में पैलेड ने डिस्कवर किया। दीज आर टीनी सेल ऑर्गेनल्स
विच आर अबाउट 29 नैनोमीटर इन डायमीटर. बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में राउंडेड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनका डायमीटर तकरीबन 20 नैनोमीटर है, एज यू कैन सी इन डायग्राम. राइबोसोम्स की कंपोजिशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन्स. दैट्स वाई दे आर स्पेसिफिकली सेट टू बी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स. अब हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स की दो फॉर्म है. एक तो ये दूर दूर फैले हुए फ्रीली बिल्कुल डिस्पर्स्ड फॉर्म में नजर आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और दूसरा ये बाज़ोकात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स के तौर पर नजर आ रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, और जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं, फ्रीली डिस्पर्स दूर दूर फैले और अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब आरईआर की फॉर्म में ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रही हैं. अब जो प्रोटीन मोस्टली फ्री राइबोसोम्स बना रहे होते हैं, स्पेशली आरबीसीज के अंदर उसकी एग्जाम्पल आ जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, मोस्टली फ्रीली राइबोसोम जो फ्रीली डिस्पर्स्ड फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं वो बना रहे होते हैं. राइबोसोम्स की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर लाई करने वाले न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, और राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स हैं, एक है लार्ज और एक है स्मॉल, जैसे कि आप इमेज में देख. अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो दो किस्म की हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर हम बात करें ना, या सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन की टेक्निक की बेस की बात करें, तो जो साइज है वो हमेशा राइबोसोम्स के साइज़ की बेस पे दो टाइप्स हैं, एक 70S है एक 80S. 70S मोस्टली जो है प्रोकैरियोट्स के केस में पाए जाते हैं, और 80S वाले जो राइबोसोम्स हैं वो ज़्यादातर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. और यहाँ पे इनके साथ जो ये कैपिटल S लगा हुआ है, ये है यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन या सिंपली सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन पीछे आपको याद होगी जो हमने टेक्निक पढ़ी थी, सेपरेशन कर रहे होते हैं और सबसे लास्ट में अलग होने वाले सेपरेट होने वाले जो कंपोनेंट्स थे सेल के वो राइबोसोम्स ही थे. इट्स मीन इनका साइज बहुत स्मॉलर होता है, इसलिए सबसे आखिर में ये सेंट्रीफ्यूग मशीन के थ्रू सेपरेट होते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन की टेक्निक जब करते हैं, और एज ए रिजल्ट जब कोई वैल्यू हम दे रहे होते हैं किसी भी कंपोनेंट की साइज को, तो उसके साथ यूनिट यूज होता है एस, और इसको एब्रीविएट हम करेंगे स्वेडबर्ग. क्या है स्वेडबर्ग? इसको एस के साथ डिनोट किया जाता है. अब हमारे पास क्या है कि देखिए, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट अलग अलग होते हैं. जब इन्होंने एक दूसरे के साथ अटैच्ड होना होता है, ठीक है, जब कभी आगे जाके इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है, इन्होंने जब अटैच होना होता है और साथ फिर जाके मैसेंजर आरएनए पे जो है वो वहाँ पे बाइंड हुआ होना होता है, तो इनकी अटैचमेंट के लिए ज़रूरत होती है कि इनको इनकी अटैचमेंट तब होगी जब इनके पास मैग्नीशियम आइंस मौजूद होंगे. इसके अलावा बेटा एक और कैटेगरी है पॉलीसोम. इसमें क्या कहते हैं कि जब कभी कोई एक मैसेंजर आरएनए की छोटी सी एक बिल्कुल बारीक सी एक स्ट्रैंड है, ठीक है, उस मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड के ऊपर जब स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट दोनों हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू अटैचमेंट हो रही होती है, फिर जाके उसके बाद लार्जर सब यूनिट लगता है, तो एक एट अ टाइम जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आके अटैच्ड हो जाएं, उस स्ट्रक्चर को एज अ होल बोला जाता है पॉलीसोम, जैसे कि आप इमेज में देख सकते. और लास्ट में बेटा टेबल में मेंशन है आपकी बुक में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70 साइज के हैं राइबोसोम्स, और यूकैरियोट्स के अंदर 80S के हैं. लेकिन बेटा यहाँ पर टेबल में मेंशन किया है, जैसे कि हमने बोल दिया कि एक पूरे राइबोसोम की यूनिट या स्ट्रक्चर तब बनती है जब उसके अंदर दो सब यूनिट्स आते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर. तो प्रोकैरियोट्स के केस में 70S की अगर हम कंपोजिशन देखें, तो फर्दर इसके अंदर लार्जर सब यूनिट की जो साइज़ है वो है 50S एस स्वेडबर्ग, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके माइंड में, ये क्वेश्चन आएगा कि 50+30 गिव्स अस 80 और 70S होना चाहिए. तो बेटा यहाँ पे 70S तो जो है वो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, लेकिन जो 10 यहाँ पे 10 टाइम्स जो है हम कह सकते हैं ना ज़्यादा बता रहा है कि 80S हैं, तो वो 10 इसके साथ थोड़े बहुत कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं जो कि राइबोसोम्स के आपस में अटैचमेंट करवा रही होती हैं, उन प्रोटीन्स की वजह से या उनको मिला के इसका पूरा साइज़ जो है वो 70S बनता है. सेम लाइक दैट यूकैरियोट्स के केस में 80S है, लार्जर सब यूनिट 60 है, स्मॉलर सब यूनिट 40. 60+40 गिव्स अस 100. क्वेश्चन अराइज व्हाई 20 क्यों ज़्यादा है? तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक 20 राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं जो राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर में उसके साथ मौजूद होती हैं. दैट्स व्हाई टोटल अगर साइज मिलाया जाए यूकैरियोट के केस में, तो वो हमारे पास आ जाता है व्हाट
100 ऐसा आ जाता है, लेकिन इन एक्चुअल इसकी साइज़ क्या है, ATS 20 जो है उसके साथ एडिशनल, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं. सो दैट वाज अबाउट राइबोसोम.